हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। अभी तक अपन पढ़ रहे थे चैप्टर फर्स्ट और उसमें हमारे फोर पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपन लेके आए फिफ्थ पार्ट इस चैप्टर का। तो पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो अपन इस बार इस क्लास में कवर करेंगे। पहला टॉपिक लेंगे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, क्योंकि अपन ने पिछली क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन ले लिया है और उसमें हमने लास्ट में उसका डायमेंशन और SI यूनिट भी डिस्कस कर ली। तो आज पहला टॉपिक देखिए अपन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू या उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है और वो भी देखेंगे अपन वेक्टर फॉर्म में। सेकेंड टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। अगर एक से ज़्यादा मतलब चार्जेस अवेलेबल हो या एक से ज़्यादा चार्जेस अरेंज्ड हो तो उस केस में किसी एक पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगता है वो भी डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट लेंगे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, एक नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फोर्थ पॉइंट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है इनकी कुछ बेसिक 7 प्रॉपर्टीज है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 प्रॉपर्टीज जिसमें एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता है वो 7 प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे अपन। फिफ्थ टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक सिस्टम है देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी सिर्फ एक ही पॉइंट चार्ज हो उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन क्या होती है ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लेट अ सोर्स चार्ज इज प्लस क्यू, यानी कैपिटल क्यू अपन ने एक सोर्स चार्ज कंसिडर किया है जो इलेक्ट्रिक फील्ड पजेस करेगा, है ना। देन अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ट्रेस एट टी विल अब्सॉर्ब फोर्स, हमने एक प्लस क्यू चार्ज लिखा हुआ है उससे आर वेक्टर या आर की डिस्टेंस में एक पॉइंट है पी जहां पर एक टेस्ट चार्ज कंसिडर किया है क्यू नॉट, वो क्यू नॉट कितना फोर्स या फिर उस क्यू नॉट यानी पी पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी ये जज करना है। तो हमें पता है प्लस क्यू चार्ज है और टेस्ट चार्ज में से क्या होता है प्लस वन यानी पॉजिटिव लेता है जनरली अपन। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी होगी वो निकालना है। तो सबसे पहले करते हैं अपन कूलम्स लॉ से हमने देखा कि दो चार्जेस हो यानी प्लस कैपिटल क्यू और क्यू नॉट, इन दोनों के बीच में जो फोर्स अप्लाई होगा यहाँ पे कूलम्ब फोर्स को कहते हैं कितना होगा एफ वेक्टर इक्वल टू ए क्यू क्यू नॉट अपॉन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यूज करते हैं आर वेक्टर का होल स्क्वायर जो कि क्या हो जाएगा केवल मैग्नीट्यूड यानी एक स्केलर क्वांटिटी होगी क्योंकि वेक्टर का स्क्वायर करने पर स्केलर क्वांटिटी रह जाती है। और डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन, देखो आर की जो डायरेक्शन है जैसे आर की डायरेक्शन अपन ने ली है बार की तरफ तो इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी आउटवर्ड हो जाएगी यानी उसी डिस्टेंस के अराउंड आउटवर्ड। तो सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पी हमने फोर्स निकाले कूलम्ब फोर्स कितना है k q q नॉट अपॉन r वेक्टर के मोड का स्क्वायर r कैप। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी द फोर्स ऑब्जर्व ऑन टेस्ट चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज उसी को क्या कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने क्या किया प्लस q नॉट को जो है उसके डिनोमिनेटर में लेके आए फोर्स से, यानी यहां पे देख लिया था f अपॉन यानी एक टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स टेस्ट यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर कितना फोर्स अब्सॉर्ब होगा उसी को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को एफ अपॉन क्यू नॉट। अब रिमेनिंग राइट हैंड साइड का जो पार्ट है वो क्या बचेगा ए क्यू अपॉन आर वेक्टर के मोड का स्क्वायर और आर क्या आपको पता है के की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पे एप्सिलॉन नॉट किसको बोलते हैं हम परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम यानी हम यहां पे वैक्यूम के लिए बात कर रहे हैं। फिर क्यू रिमेनिंग जो पार्ट है वो इसी तरह से e वेक्टर इक्वल टू 1 अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर वेक्टर के मोड का स्क्वायर आर कैप। देखो इन दो एक्सप्रेशन में फर्क है क्या डिफरेंस है देखते हैं अपन 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट और इस बार डिनोमिनेटर में पहले डिनोमिनेटर में स्क्वायर था और अब डिनोमिनेटर में क्या आ गया क्यू, यानी क्यू लेने के लिए हमने एक मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई किया था इस कैप से। और जब आपको पता है किसी भी वेक्टर के यूनिट वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक कंप्लीट वेक्टर बन जाता है। तो ये क्या बन गया यहाँ पे आर वेक्टर। तो यहाँ पे एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है डिनोमिनेटर में अगर आपने स्क्वायर से क्यू कन्वर्ट किया है तो ये यूनिट वेक्टर है वो भी कन्वर्ट हो चुका है जिसमें वेक्टर। आगे लिखते हैं क्यू टू नेगेटिव चार्ज, यानी अभी तक अपने पढ़ा है कि एक प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना आया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर जीरो आर। आगे लिखते हैं ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की वजह से देखना है
तो e 1 upon 4 pi epsilon naught q सिर्फ एक ही डिफरेंस दिखाई देगा आपका, वो है डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि अपने पहले ही बात की थी प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा क्या होती है आउटवर्ड। आप एक प्लस क्यू चार्ज रखा हो उससे कितनी भी डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियली आउटवर्ड होती है। रेडियली आउटवर्ड का मतलब होता है जैसे ये चार्ज है प्लस क्यू, ये पॉइंट चार्ज है, तो इससे इस तरह ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली यानी रेडियस कह रहा हूँ। रेडियली पॉइंट का मतलब है कि उसके एक अगर आप सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उसके रेडियस इसी तरह ड्रॉ होते हैं, तो रेडियस के अलावा आउटवर्ड जो डायरेक्शन है वही कहलाती है रेडियस के आउटवर्ड। तो एक प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियली आउटवर्ड होती है और माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियली इनवर्ड होती है। यानी डिफरेंस क्या है, आपका डिफरेंस है डायरेक्शन का, एक बार आउटवर्ड प्लस क्यू की वजह से आउटवर्ड और माइनस क्यू की वजह से इनवर्ड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अगर सेम इसी प्लस क्यू को अगर मैं माइनस क्यू कंसीडर करता तो इस पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मैग्नीट्यूड तो वैसा ही रहता जो कि प्लस क्यू की वजह से आ रहा था, मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा जो प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों का सेम है, लेकिन डायरेक्शन का डिफरेंस है, प्लस क्यू में आउटवर्ड है और माइनस क्यू में इनवर्ड है, ये एक डायरेक्शन का डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं अपन, E equal to KQ upon R square। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसीडर करूं, यानी मैंने क्वेश्चन पढ़ा है, मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, E equal to KQ upon R square। तो यहां आपने जो देखे वो मिलता है E directly proportional to Q, क्या यहां पे चार्ज, जो भी चार्ज आपने कंसीडर किया है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वैसा क्या होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और E inversely proportional to R square। अगर आप चार्ज की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो ई भी क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा, अगर चार्ज को डिक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी डिक्रीज। सेम यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर आप आर की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होगी, और अगर आप आर की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होगी। लेकिन इस फॉर्म में देखो ये मतलब लीनियर फॉर्म में नहीं है, ये स्क्वायर फॉर्म में है। स्क्वायर फॉर्म का मतलब मैंने आपको समझाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तेजी से घटेगी, यानी बहुत रैपिडली उसमें क्या होता है डिक्रीमेंट होता है, ये चीज शो होता है, ठीक है। तो आर की वैल्यू रैपिडली इंक्रीज भी होती है और रैपिडली डिक्रीज भी होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ग्राफ बनाना है सिंपल सा, एक लीनियर ग्राफ बनेगा, ठीक है, सिंपल स्लोप का एक लीनियर ग्राफ, जिसका स्लोप जनरली कितना होता है टेन थीटा, कितना निकलेगा वन, यानी एंगल कितना है यहाँ पे 45, ठीक है, और जो भी इसकी कॉन्स्टेंट वैल्यू है वो देखेंगे। आगे लेते हैं अपन ई और आर के बीच का, देखो ई और आर का ग्राफ पे ध्यान देना हम लोग, जो वेरिएबल्स अपन ने यूज किए हैं वो कौन से हैं, ई और आर, ई और आर के बीच का जो ग्राफ है वो किस तरह आएगा पैराबोलिक फॉर्म में आएगा, किस तरह आएगा पैराबोलिक फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर के इक्वल टू प्रोपोर्शन, अगर मैं यहाँ पे आर स्क्वायर कर देता तो ये ग्राफ कन्वर्ट होके लीनियर हो जाता है, यानी लीनियर फॉर्म में डिक्रीज होना, यानी ये ग्राफ किस तरह आता है, ठीक है, ये डिफरेंस है इसमें। आगे लेते हैं अगर आपसे एग्जाम में कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा आपको ग्राफ ई और आर के बीच का नहीं बनाना, ग्राफ बनाना है ई और वन आर स्क्वायर, तो आप उसका ये बनना ये लिख सकते हैं, यहाँ पे आपने इसको जो वेरिएबल को कंसिडर किया है तो ई और इस पूरे वेरिएबल के बीच का क्या रिलेशन है, वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इससे क्या आएगा इस तरह ग्राफ जो है लीनियरली इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इफ टेस्ट चार्ज प्लेस्ड इन ए मीडियम, अभी तक अपन ने देखा कि टेस्ट चार्ज जो है वो कहां पे वैक्यूम है, यानी हम वैक्यूम कंसीडर कर लेते हैं, अब हम कोई मीडियम ले लेते हैं, इफ टेस्ट चार्ज प्लेस्ड इन ए मीडियम तो आपको पता है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी मीडियम एंड यहां पे सब्सक्रिप्ट जो है वो मीडियम के लिए यूज हो रहा है तो आंसर होगा के क्यू और आर स्क्वायर, लेकिन इस बार के की वैल्यू चेंज होगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं होकर के कितनी होगी एप्सिलॉन, क्योंकि आप बताया एप्सिलॉन क्या होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम को माना जाता है, ठीक है। तो ई एम यानी मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है, तो 1/1 और आप पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, दूसरी क्लास में कि एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी, या एक और नाम था इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, जिसको हम के से भी डिनोट करते हैं। तो एप्सिलॉन की अगर रिप्लेस किया हमने एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, तो ई
एम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन r क्यू अपॉन आर। सो अब एक रिलेशन और निकालना हमें यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेडियम, यानी हमें रिलेशन निकालना है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। तो वैक्यूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन r क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सेम इसी तरह मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई चेंजेस क्या आएगा, सर परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का, और अब आएगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये पूरा कैंसिल आउट, तो रिमेनिंग क्या रहेगा, 1/4 डिवाइडेड बाय
काम नहीं है, आपको मैग्नीट्यूड गिवन है, आपने डायरेक्टली उनको जोड़ दिया, नहीं, इनको वेक्टर फॉर्म में सम करना है, यही सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है। तो वैल्यू पुट करते हैं अगर पी नॉट वन यानी के क्यू वन अपॉन आर नॉट वन का होल स्क्वायर आर नॉट वन, ये सारी इंडिविजुअल वैल्यूज पुट किए हमने, और आपको पता है इसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका है हमारे पास सिग्मा। तो जो कॉन्स्टेंट है ये के जो है पूरा कॉन्स्टेंट है, इसको अपने सिग्मा के बाहर लेंगे, और यहाँ पे अब चेंजेस कहाँ पे आ रहे हैं, क्यू के सब्सक्रिप्ट में चेंज आ रहा है, क्यू वन क्यू टू यानी सारे चार्जेस आ रहे हैं, उसी तरह इनके पोजिशनल वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में चेंजेस आ रहा है आर नॉट वन आर नॉट टू। तो जहाँ चेंजेस आए, अब देखो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है आपको अलग अलग वैल्यू भी देखने को मिलती है, तो उस केस में हम दो दो वेरिएबल यूज कर सकते हैं आई और जी, लेकिन यहाँ पे क्यू वन है तो उसी तरह क्या आर नॉट वन, क्यू टू है तो उसी तरह क्या आर नॉट टू, इसलिए हमने एक ही वेरिएबल कर सकते हैं वो क्या है आई, और आई की वैल्यू कहाँ से आई इक्वल टू वन से लेकर यानी लोअर लिमिट है उसकी वन और अपर लिमिट है कोई
जो डायरेक्शन है वो इस सरफेस से परपेंडिकुलर नहीं, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, यहाँ पे इस सरफेस से क्या बना कुछ एंगल बनना थीटा, तो इसके दो कंपोनेंट कंसिडर होंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मान लिया हमने कि ये एक वर्टिकल कंपोनेंट थी। अब आपको पता है कि ये कंडक्टर है तो अंदर क्या है चार्जेस है आयंस है, तो उस केस में क्या है ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये जो अंदर चार्जेस रखे हुए इन चार्जेस से क्या अप्लाई करेगा फोर्स, क्योंकि आपको पता है अगर कहीं पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है और उसमें आप टू चार्ज ले जाके रख देते हो तो उसमें क्या लगता है फोर्स अप्लाई होता है, कितना होता है एफ इक्वल टू क्यू ई, यानी इस इलेक्ट्रिक अब यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या लिखा है यहाँ चार्ज, तो इस पे क्या कब्जा हो गया फोर्स अप्लाई हो गया और ये चार्जेस क्या होंगे जैसे ये नेगेटिव चार्जेस ये नेगेटिव फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ऑटोमेटिक मूव करना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि इनमें क्या लग रहा है फोर्स लग रहा है, तो एक नेट फोर्स क्रिएट होता है और ये ऑटोमेटिक फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें पता है जनरली जो कंडक्टर है वो ऐसे ही स्टैटिक फॉर्म में करंट फ्लो नहीं करता, तो यहाँ पे अगर ये चार्ज ऑटोमेटिक फ्लो होना स्टार्ट होता है तो यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाएगा करंट, यानी ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रही है करंट जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा किसी सरफेस के यानी किसी भी कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होती है क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी उसके हमेशा नॉर्मल होती है। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। देखो ये भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, लेट सपोज अगर मान लेता है कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो ये इनका क्या चलेगा इंटरसेक्शन। अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कंसीडर करूं तो मैं इस पी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह मिलेगा, यानी मुझे यहां पर इस पी पॉइंट पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अराउंड अगर डायरेक्शन निकालनी है तो वो मेरी डायरेक्शन क्या होगी कुछ इस तरह ई पी, और अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कंसीडर करूं और ये जो पी पॉइंट है यहां पर अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो मुझे क्या देगा इस तरह की दूसरा एक कंपोनेंट, जैसे यहां पर एक कंपोनेंट मान लिया पी ए और यहां मान लिया पी बी, तो यहाँ पर देख रहे हैं अगर इंटरसेक्ट करती है तो पी पॉइंट पर कितने टेंजेंट पॉसिबल हो जा रहे हैं दो टेंजेंट, और किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के किसी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो क्या देते हैं हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी पी पॉइंट पर हमें क्या मिल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की दो दो डायरेक्शन पॉसिबल हो रही है और जो कि इम्पॉसिबल चीज, यानी एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होती, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ध्यान रखना आपको। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी क्लोज लूप नहीं बनती, जैसे आपको चार्ज दिया है यहाँ से एडमिट या ऊपर निकाल के वापस से इस तरह लूप बना दिया तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता, यानी ये कभी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती। नेक्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एग्जर्ट लैटरल प्रेशर ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन लाइक चार्ज, यानी यहाँ पे ये टॉपिक जो है अपन अगले टॉपिक में देखेंगे, इस पॉइंट को अगले टॉपिक में कंसिडर करेंगे जब ज्यादा बेहतर समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पे अपने कंसिडर किए हैं सेवन पॉइंट, यानी सेवन पॉइंट डिस्कस किए हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखो क्या होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, इट इज अ सिस्टम मेड बाय अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट, यही लाइन की पॉइंट है इसका, इट इज अ सिस्टम मेड बाय अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, यानी कुछ नहीं एक पेयर है जिसका चार्जेस है, एक सिस्टम है जिसमें दो पॉइंट चार्जेस कंसीडर किए जाते हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, कंडीशन क्या है दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होना चाहिए इक्वल और दोनों ही चार्जेस नेचर में क्या होना चाहिए अपोजिट होना चाहिए, यानी अनलाइक चार्जेस होना चाहिए और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम होनी चाहिए, ठीक है।
अब जनरली हम अपने सिलेबस में इस जो बीच की डिस्टेंस है इसको क्या कंसीडर करते हैं, 2 इंच। आप चाहे ए करो, बी करो, आर करो, उसकी जो हैं, लेकिन जनरली हम इसको कंसीडर करते हैं 2 इंच। 2 इंच क्यों कंसीडर किया जाता है, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हम इसको इजीली सेपरेट करते हैं मिड पॉइंट पर, ये वाली ए डिस्टेंस और ये वाली भी ए डिस्टेंस। अदरवाइज अगर आप इसको ए कंसीडर करते हो तो ये हो जाएगा ए बाई टू और ये भी क्या हो जाएगा ए बाई टू, जो न्यूमेरिकल फॉर्म में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए 2 इंच कंसीडर किया जाता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं हम, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल सक्सेस हो रहा है या नहीं, यानी वो इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह लॉस ले करेगा या नहीं। प्लस क्यू और यहाँ ले लिया मैंने माइनस टू क्यू, क्या ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है? आंसर है नहीं, क्योंकि ये दोनों देखो अनलाइक तो है लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। एक और लेते हैं प्लस टू क्यू, प्लस टू क्यू दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों लाइट चार्जेस है, तो ये भी डाइपोल नहीं है। प्लस 4q माइनस 4q ये एक डाइपोल है। ठीक है, तो डाइपोल की दो इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, दोनों इक्वल होने चाहिए और दोनों ही नेचर में अपोजिट होने चाहिए। तो यही तक कंप्लीट करते हैं आज की क्लास को, जो अपना पार्ट 5 था। नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपन फर्दर, जो भी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड और भी, और इलेक्ट्रिक डाइपोल को कंसिडर करेंगे अपन। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दो पॉइंट्स होते हैं, दो केसेस हैं, एक्सियल और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो होता है। ठीक है, तो यही तक करते हैं, थैंक यू।